प्राची पे, मैं हूँ प्राची। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सारे लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और सुबह के बज रहे 11, तो मैं 11 बजे से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बहुत बड़ा काम करने। बड़ा काम ये है कि मैं धीरे धीरे बोलूँगी कि मिस्टी का वैक्सीनेशन है, और उसके बाद नहीं सुनेगी। मुगल मुझे बता रहे पीछे से कि वो सुन लेगी, क्योंकि अगर उसने सुन लिया ना तो फिर वो जाएगी नहीं। और ये वैक्सीनेशन लास्ट मंथ ही था, लेकिन स्कूल चल रहा था इसलिए मैंने नहीं दिलवाया था। अभी छुट्टियाँ हो गई है ना, और आज सैटरडे भी है, तो थोड़ा उसको दिलवाने के बाद थोड़ा पैम्पर कर दूंगी फिर जाऊंगी। तो पहले तो फटाफट खाना बनाते हैं, खिलाते हैं उसको, और फिर निकलते हैं। तो खाने में मैं बना रही हूँ, आज दिखाती हूँ मैं आपको क्या बना रही हूँ। तो खाने में बना रही हूँ, मैंने आलू और गोभी दोनों ही बॉईल करके रखा है। इन दोनों को मैं अच्छे से तेल में फ्राई करूँगी, बाकी सारी चीज़ों के साथ, प्याज, लहसुन, मिर्ची, नींबू का रस, बेसन, धनिया पत्ता, आटा, जीरा, धनिया, हल्दी एंड आटा लगा के रखा है मैंने इधर। तो ये सब मिला के मैं बनाऊँगी पराठा। तो फटाफट मैं इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो सरसों तेल को गरम करो, लहसुन मिर्ची पीस के डालो, प्याज डालो, इसे अच्छे से भून लो, और नमक डाल दो। नमक डालने से प्याज जल्दी भून जाएंगे। फिर उसमें जीरा, धनिया, हल्दी और बेसन डाल दो, और इन सबको लो फ्लेम पे भूनना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। पानी मत ऐड कर देना। मसाले जब भून जाए फिर आलू गोभी को डालो, और भूनते भूनते ये मैश हो जाएगा आराम से। और गोभी डाला है ना, तो इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। धनिया पत्ता भी डाल दिया मैंने, अच्छे से भून लिया। अब गैस ऑफ करो और फिर डालो नींबू का रस। नींबू का रस बाद में इसलिए ऐड करना क्योंकि विटामिन सी कुक, अगर आप कुकिंग में विटामिन सी यूज़ कर रहे हो तो उसे पकाने के बाद उसका विटामिन ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए गैस ऑफ करके उसमें डालो नींबू का रस। फिर आटे की लोई जो लगाई थी वो ले लिया और उसमें स्टफ़ कर लिया इस मिक्सचर को, और अच्छे से पराठे को बेल लिया। तो गोभी डाला है ना तो भूनना बहुत अच्छे से, नहीं तो वो मसाला जो है ना वो थोड़ा गीला गीला रहेगा। और बेसन भी ज़रूर ऐड करना, वो उससे क्या होगा ना कि पराठे फटेंगे नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने बेल के तैयार कर लिया है, और इस पराठे को साथ ना, पराठे के साथ ना आप दही लो, अचार लो, कुछ भी लो, खाली भी पराठा खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और पराठे तो देसी घी में ही अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, और ये होममेड घी है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में शेयर किया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो बस ये पराठे बन के तैयार हो गए, अब हम लोग अच्छे से इसको इन्जॉय करेंगे। और ये पराठा ऐसा है ना कि आप बच्चों को भी दे सकते हो, लंच में भी दे सकते हो, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये अच्छे से सॉफ्ट रहता है। बस आटा लगाते वक्त उसमें थोड़ा नमक डाल देना। तो मेरा बन चुका है लंच, पता नहीं कुछ तो काम हो रहा है खटखट। तो सारे काम हो चुके हैं, अभी मैं मिष्टी को खिला रही हूँ, और मिष्टी खा लेगी तो फिर मैं भी रेडी हो जाऊँगी, फिर हम लोग जाएँगे बाहर। जाएँगे मिष्टी को लेके कहीं बाहर जाएँगे। वो नहीं पता, वो मिष्टी जहाँ बोलेगी वहाँ जाएंगे, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। घूमने के लिए जाएंगे ना, वेगा सिटी जाएंगे। जाओगी? वो मिष्टी के सर में मैंने पूरा तेल लगा दिया, दिखाओ तो मिष्टी एक बार पीछे घूमो। नहीं नहीं दिखाएगी। कल जो मैंने तेल बनाया था वो अभी मिष्टी के पूरे सर में है, और कल मिष्टी शैम्पू करके नहा लेगी, है ना मिष्टी? नहीं मिष्टी आज मिष्टी नहीं बात करेगी अच्छे से किसी से, है ना मिष्टी? ना ना, हर चीज़ में ना ना ना। चलो मैं पहले फटाफट खिलाती हूँ, फटाफट तो होगा नहीं लेकिन फिर भी खिलाती हूँ पहले मिष्टी को। ना मिष्टी किधर चल रही है? मिष्टी किधर जा रही है? वेगा सिटी। कहाँ जा रही है मिष्टी? वेगा सिटी। उसके पहले कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मीनाक्षी मॉल। उसके पहले डॉक्टर अंकल के पास हाइट और वेट नापने, है ना मिस्टी? डॉक्टर अंकल के पास तो वेगा सिटी जाना। हाँ वेगा सिटी और डॉक्टर अंकल नहीं जाना, मीनाक्षी मॉल। ओके। तो यहाँ पे मिस्टी ना, पता नहीं उसको क्या समझ में आ रहा था, ऐसे ही मुंह बना रही थी, उसको समझ में आ गया था शायद कि उसे वैक्सीन लगने वाला है। मैंने डॉक्टर को पहले ही जाके बोल दिया था कि आप वैक्सीन प्रिपेयर करके रखो, मैं उसको लेके आऊँगी और बस दे देना, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है ना तो अब डर लगता है उसको। तो यहाँ पे उसे नहीं आना था वीडियो में। कैसा लगा वैक्सीन लेके? अच्छा। डर लगा क्या? नहीं। दोबारा लोगी? नहीं। है ऊपर है।
नहीं बेटा वो गिर जाएगा, गिर जाएगा। ये मेरा है। हाँ तो दोपहर के बाद मैं मिल रही हूँ अभी आपसे सीधा डिनर के टाइम पे, और हम लोग दिन में इतना घूमे हैं कि अब हम लोग थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बाहर जाके खाना खाना है ना मिष्टी। और आज मैंने और मिष्टी ने मैचिंग मैचिंग पहना है, ब्लैक ब्लैक। और हम लोग को और कहीं जाना है। इस लड़की का घूमने से मन ही नहीं भरता है। ओके तो चलो हम लोग चलते हैं डिनर के लिए। कहाँ जाएंगे पता नहीं, वो मुकुल डिसाइड करेंगे, हम लोग बस निकलने वाले हैं, मुकुल तैयार होकर वेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, फिर क्या, फिर वहीं पर मिलते हैं। चलो हम लोग खाना पीना खा के बाहर से आ चुके हैं, और एज यूजुअल मिष्टी ने कुछ खाया नहीं है तो मुकुल उसको बाहर खिला रहे हैं, और मैं आ गई यहाँ पे ब्लॉग का एंड करने के लिए। मैं क्या बताऊँ, मैं थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ ना कि हाँ चलो मेरे वीडियोस के व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बस वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आज मैं वैसे ही डीमोटिवेट हो गई थी, शॉर्ट्स में डाल रही हूँ, पता नहीं वो शॉर्ट्स फीड में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, तो व्यूज़ ना के बराबर आ रहे हैं बिल्कुल उसमें। बट कोई नहीं, करते रहना है कंटिन्यू। यूट्यूब का मतलब ये है कि आप कंटिन्यू रहो। मैंने पहले बहुत गलतियाँ की है, मैं कंटिन्यू नहीं थी, तो ऐसे ही ब्लॉग में कंटिन्यू बनाती रहूँगी अब, और शॉर्ट्स तो मेरा डेली करेगा। ब्लॉग तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बनाऊँगी, लेकिन शॉर्ट्स मैं डालूँगी, भले ही उसको एक लोग देखें लेकिन मैं बनाऊँगी। जैसे कि बताया मैंने कि वो बनाती हूँ ना, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन लगता है कि मैंने अपने लिए पूरे 24 घंटे में मैंने खुद के लिए तो 1-1.5 घंटे निकाला ना। आप जो वीडियो देखते हो वो 15 से 17 मिनट का व्लॉग होता है, 1 मिनट का शॉर्ट्स होता है, तो एक शॉर्ट्स को सूट करने में डिपेंड करता है खाना क्या बना रहे आप, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ब्लॉग जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के तो होते ही हैं, जिसको कि मैं कट करके हाफ पे लाती हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स के ब्लॉग कोई नहीं देखता। तो जैसे लगते हैं कि हाँ ये पार्ट शूट करने का है, ये कर सकते हैं, और डेली व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हो शूट, तो मैं करती हूँ, लेकिन फिर काट कूट के उसे मैं 15 से 16 मिनट पे लाती हूँ। तो कोई नहीं, खुद को मोटिवेट करते रहना है और वीडियो बनाते रहना है, भले ही चैनल मोनेटाइज नहीं हो, बस बनाना है बनाना है बनाना है। तो चलो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ फिर आपसे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। Bye and take care.